देते हैं आज का वीआईपी शेयर। ओके, वीआईपी शेयर मतलब के वैल्यू इन्वेस्टमेंट पिक, जहां फंडामेंटली वो मजबूत शेयर। अब हमें रवि सिंह शेयर इंडिया के बताएंगे जहां पे आप दाव लगा सकते हैं लंबी अवधि के लिए। रवि बताइए, कौन सी पिक आप लेकर आए हैं दर्शकों के लिए आज? देखिए, मार्केट में जिस तरीके से चढ़ा, ऐसे में एक स्टॉक है जो कि अभी पॉजिटिव हैंड पे खड़ा हुआ है और आगे भी दमखम रखता है, वो है वरुण बेवरेजेस। इस समय आप जान ही रही हैं कि आगे लॉन्ग वीकेंड्स पड़ने वाले हैं, तो इसकी डिमांड FMCG काउंटर भी यहां पर काफी हद तक पॉजिटिव है। तो मुझे लगता है सृष्टि जी की इस स्टॉक को 1650 आने वाले 4 से 6 महीने के बीच में देखने को मिल सकता है, और कोई डिप भी हो तो भी आप इसमें खरीदारी कर सकते हैं। चार्ट पैटर्न पे कंटिन्यू आपको अप ट्रेंड देखने को मिले, और खास तौर से अगर वीकली मंथली बेसिस पे देखते हैं तो आपको पॉजिटिव रिटर्न ने काफी सरप्राइज किया है, और वो अभी कंटिन्यूटी में देखने को मिलेगा। पॉजिटिव नंबर्स हैं, प्रॉफिटेबिलिटी स्टेबल है, तो मुझे लगता है लॉन्ग टर्म स्टॉक में पोर्टफोलियो आपका जो चमका सकता है वो है वरुण बेवरेजेस। ठीक है, वरुण बेवरेजेस इस गर्मी की सीजन का भी ये बेनिफिट ये शेयर आपको देगा, और अगर आप जम के कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं, अगर पेप्सी अगर पी रहे हैं, तो ये हेजिंग का टूल भी है सृष्टि। वरुण बेवरेजेस 6 महीने के लिए बढ़िया टारगेट, 1650 तक के यहाँ पर आप सुझा रहे हैं रवि वरुण बेवरेज के लिए। आज भी हम शेयर में बढ़िया तेजी देख रहे हैं, लेकिन ऑप्शंस को लेकर कंफ्यूजन तो फैला है, लेकिन ट्रेड में हम आपके लिए कोई कमी नहीं आने देंगे, मौके भरपूर बताएंगे और इस वक्त लेकर आएंगे मुनाफे का ऑप्शन। ठीक है, तो हमारे साथ हैं राहुल घोष। राहुल जी, बहुत कंफ्यूजन है एसटीटी को लेकर, हालांकि उम्मीद करते हैं कि लोगों के ट्रेड पर अभी कोई ज्यादा फर्क नहीं आ रहा होगा। आप ये बताइए कि करना क्या है ऑप्शंस में, कहां पर मौके दिख रहे हैं? नमस्ते, बिल्कुल सही कहा आपने, बहुत कंफ्यूजन है। निफ्टी जो है एक ब्रॉड बेस रेंज में है, 16,720 और 17,500 के बीच, और कुछ दिन 100-200 पॉइंट नीचे, कुछ दिन 100-200 पॉइंट ऊपर जा रहा है। इस सिचुएशन को मद्दे रखते हुए हमने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्ट्रेटेजी प्लान किया निफ्टी में, कि जब निफ्टी 17,100 के आसपास चले आए, हम लोग 16,900 का पुट खरीदेंगे। आई रिपीट, जब निफ्टी 17,100 के आसपास चले आए, हम 16,900 का पुट खरीदेंगे, जो 27th अप्रैल एक्सपायरी का होगा, जो अगले महीने का एक्सपायरी है, और साइमल्टेनियसली हम 6th अप्रैल का 16,700 पुट बेचेंगे। दोनों लेग्स हम एक साथ एंटर करेंगे, दैट इज 16,927 अप्रैल बाय और 6th अप्रैल 16,700 पुट सेल। इसका एडवांटेज ये होगा कि अगर मार्केट नीचे जाता है तो पैसा तो बनेगा ही, क्योंकि पुट ऑप्शंस हैं, बट अगर मार्केट साइडवेज भी रहा और लिटिल बिट ऊपर भी गया, तो मेरा जो 6th अप्रैल का सोल्ड ऑप्शन है वो ज्यादा तेजी से इरोड होगा, और उस सिचुएशन में भी हम प्रॉफिट कमा पाएंगे। तो ये एक एडवांटेज है इस स्ट्रेटजी का। एक और खास बात मैं बताना चाहूंगा कि अगर मार्केट ऊपर की तरफ भी जाता है, हमारा जो सोल्ड ऑप्शन यूनिट है इस स्ट्रेटजी में वो 6th अप्रैल का है, तो बाकी 3 हफ्ते अप्रैल का हम लोग 16,700 का पुट बेच के जो 16,900 का कॉस्ट है, डेबिट है, वो भी हम वापस ले सकते हैं। तो तीनों साइड में ये बहुत ही इंटरेस्टिंग स्ट्रेटेजी है, जहां तीनों साइड में हम बेनिफिट कर सकते हैं इस टाइप ऑफ मार्केट में स्पेशली। ओके, तो एक कैलेंडर स्प्रेड स्ट्रेटेजी जो है राहुल की तरफ से आते हुए काफी इंटरेस्टिंग है, जहां पे 17,150 के अगर ऊपर निकले निफ्टी, तो आपको 16,900 का जो है पुट खरीदना है 27th मार्च एक्सपायरी का, और साथ ही अगर 16,700 का पुट आप बेच सकते हैं अगली जो वीकली एक्सपायरी आएगी नेक्स्ट मंथ की, उसके जो ऑप्शंस हैं उसको आप उसका पुट जो है वो बेच सकते हैं, और किस तरीके से आपको प्रॉफिट होगा वो भी आपको बताया, बट इसमें जो मैक्सिमम प्रॉफिट है वो 5,000 रुपये ही निकल कर आएगा। राहुल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया ये स्ट्रैटेजी हमारे साथ शेयर करने के लिए। हम अनुमन जो है किसी स्टॉक या फिर पुट या कॉल बाय की स्ट्रैटेजी बताते हैं अभिषेक, पर आज राहुल हमारे लिए कुछ इंटरेस्टिंग स्ट्रैटेजी लेकर आए हैं। पहले नेकेड ऑप्शंस होते हैं, लेकिन चूंकि बाजार दोनों तरफ
दफा स्विंग दे रहा है सिस्टी, तो उस चीज को कहीं ना कहीं प्रोटेक्ट करने के लिए ये स्ट्रेटजी बहुत ठीक है।